गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, तो भाई दिखने में तो अच्छा लग रहा है। ये डैशबोर्ड में ही गियर है, ये गाड़ी में ये खास चीज है, डिफरेंट हैंड ब्रेक है। तो दिखाता हूँ आपको, इसको ऐसे घुमा के ऐसे दबाना होता है। और ये देखो भाई, यहाँ भी रस्टिंग लगी हुई है। राम राम दोस्तों, क्या हाल है भाई सबके। तो भाई स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो भाई आज आए आपके नई वीडियो के साथ और नई गाड़ी के साथ। गाड़ी देखो सबसे पहले, दमदार गाड़ी KUV100। आपको दिखाते हैं इस गाड़ी के बारे में। सबसे पहले देख लो भाई वॉक राउंड गाड़ी का, और ये ऐसी लगती है दिखने में, मिनी SUV टाइप में। तो भाई बैक से भी दिखा देता हूँ, पीछे से। तो पीछे से ऐसी लगती है ये भाई, K8 वेरिएंट है भाई। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गाड़ी की चाबी से। तो ये चाबी है, ये लॉक अनलॉक के लिए, मेरे को लग रहा है ये चाबी बाहर से बनवाई है भाई ने। तो ये शायद इसके साथ सेंट्रल लॉकिंग नहीं आती थी। तो देख सकते हो आप, ये जो डोर हैंडल है ये भी बॉडी कलर्ड नहीं है। तो ये बेस वेरिएंट है उस टाइम का। तो हम इसको ओपन करते हैं गाड़ी को। लॉक है, अनलॉक हो गई है। तो जैसे ही ओपन की, तो सबसे पहले ये देखो भाई, भाई ने लाइटिंग लगवा रखी है, सब एम्बियंट लाइटिंग, और मज़ेदार लग रही है, रात में अच्छी लग रही है। तो उसके बाद सबसे पहले तो यहाँ पे ये यहाँ पे देखो, ये आफ्टर मार्केट है। तो ये गोल घूमने वाले आते होंगे, बेस मॉडल है इसलिए, मे बी शायद इसलिए। तो अंदर देखते हैं, सबसे पहले तो स्टीयरिंग देखते हैं। स्टीयरिंग पे कोई माउंटिंग कंट्रोल नहीं है भाई। अंदर बहुत कुछ दिखाने के लिए, तो सबसे पहले हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। तो भाई गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। ये देखो भाई, सबसे पहले गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, तो भाई दिखने में तो अच्छा लग रहा है। बीच में MID भी दे रखी है इसमें, और स्पीडोमीटर अलग है, और एक्सेलरेशन वाला RPM है बोलते हैं इसको, RPM वाला मीटर अलग है। पूरा दिखने में अच्छा लग रहा है ये। तो अभी आ जाते हैं डैशबोर्ड की तरफ, डैशबोर्ड दिखाते हैं आपको। ये ऊपर AC वेंट्स हैं, ये नॉर्मल से, ये हैजार्ड लाइट दे रखी है। ये स्टीरियो शायद आफ्टर मार्केट है जहाँ तक मेरे को लग रहा है। और तो सबसे मेन चीज़ इस गाड़ी की आपको दिखाता हूँ, ये गियर जो है यहाँ पे बीच में नहीं है, बीच में स्पेस नहीं है। बीच में आपको हैंड ब्रेक भी थोड़ा सा इसमें अलग दिखेगा, बहुत डिफरेंट हैंड ब्रेक है। तो दिखाता हूँ आपको, इसको ऐसे घुमा के ऐसे दबाना होता है। ये देखो हैंड ब्रेक अलग चीज़ है, ये कुछ ट्रक वाली फीलिंग है इस गाड़ी में। और ये देखो, ये आपको दिखेगा डैशबोर्ड में ही गियर है, ये गाड़ी में ये खास चीज़ है, आपको नीचे यहाँ पे नहीं है वो चीज़ें। और AC के ये कंट्रोल्स वगैरह हैं, ये सब दे रखा है। ये AC मैनुअली है सारा, हाँ मैनुअल AC है सारा। तो भाई उसके बाद आते हैं हमारे ये मिरर्स है, जो इसके कंट्रोल्स ये यहीं से अंदर से ही है। और ये नॉर्मल जो डंडी वाला होते हैं, लेकिन भाई वो बड़े बड़े मिरर लगे हुए हैं यहाँ पे, तो ये चीज़ अच्छी है। और तो ये अभी यहाँ पे भी, ये आफ्टर मार्केट अप डाउन करने के लिए विंडो ये लगाया हुआ है। तो ये देखो भाई गाड़ी में ये ABC पैडल्स हैं, तो क्लच के बराबर में ही जस्ट डेड पैडल भी दिया है, ये चीज़ भी सही है। अगर यहाँ पे रख सकते हैं पैर, जैसे ही पैर थक जाए आपका तो। और क्लच भी यार लाइट है, इस गाड़ी का क्लच बहुत लाइट है। तो भाई ये है इस गाड़ी के सबसे मेन चीज़ जो है इस गाड़ी में, ये गाड़ी 6 सीटर भी बन सकती है। आपको दिखाता हूँ कैसे बनती है। ये यहाँ पे ये पकड़ने का दे रखा है, इसको उठाएंगे तो ये बन गई 6 बंदों की बैठने की जगह। और सेम इसको ऐसे ही अगर यहाँ से पकड़ के इसको डाउन करेंगे तो ये आपका हैंड रेस्ट बन गया। ये बहुत सही चीज़ है, इसमें कप होल्डर भी दे रखे हैं यार। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ लगी इस गाड़ी में। अब आते हैं थोड़ा सा बैक डोर की तरफ। ये देख सकते हो, ये फैल्कन डिज़ाइन बोलते हैं इसको। तो इसमें पीछे जो डोर ओपनर है, ये स्विफ्ट की तरह है, शायद इसी गाड़ी से इंस्पायर होगी, स्विफ्ट में आए हैं शायद, जहाँ तक मेरे को लगता है। अब पीछे पावर विंडो नहीं लगवाई है, तो पीछे सेम वही गोल वाला है। और तो भाई देख सकते हो, इसमें स्पेस तो गाड़ी में बहुत है। ये सीट मैंने थोड़ी सी पीछे कर दी थी, इसलिए आपको थोड़ा कम लग रहा है यहाँ पे, बाकी स्पेस बहुत है। बड़ी बड़ी गाड़ी लगती है, SUV टाइप में फील आती है। तो भाई ये इसका बूट ओपन करते हैं। तो भाई सबसे खास चीज़ जो है, ये पेट्रोल वेरिएंट है, तो इसमें CNG लगी हुई है। तो भाई देखो क्या मज़ेदार सीन है यार। लेकिन हाँ भाई, ये सामान रखने की जगह चली जाती है गाड़ी से। तो यहाँ से भी एक बार आप डैशबोर्ड का व्यू देख लो पूरा लाइटिंग के साथ। तो इसको करते हैं बंद। तो भाई एक चीज़ मेरे को महिंद्रा की गाड़ियों में, ये मैंने कई गाड़ियों में देखा है ये चीज़, ये देखो भाई रस्टिंग स्टार्ट हो गई है। और अगर इसको काम नहीं करवाया तो ये बढ़ सकती है,
और मेरे को लग रहा है फिर अगर अभी काम नहीं कराया तो फिर ये पूरा पीछे का बैक वाला डोर ही चेंज करना पड़ेगा। और ये यहाँ यहाँ पे नहीं, दो तीन जगह और भी देखी है मैंने, जैसे आपको दिखा देता हूँ। देखो यार नीचे की तरफ भी थोड़ा सा, ये देखो ये पूरा प्रॉपर रस्टिंग है, ये आगे भी देखो। तो भाई यहाँ देखो, अरे ये तो छोटी सी पॉकेट सी दे रखी है सामान, छोटा बड़ा सामान रखने के लिए, और ये बराबर में डैशबोर्ड ओपन करने के लिए। देखते हैं ओपन होगा नहीं होगा। भाई साहब बोनट तो हैवी यार, फुल ऐसे लग रहा है फुल बड़ी गाड़ी का बोनट उठाया है। और ये आपका इंजन है देखो, एम फैल्कन G80। तो भाई ये इंजन इसमें देख लो एक बार आप, बाकी बोनट बहुत हैवी है, बोनट की क्वालिटी बहुत हैवी है। और ये देखो भाई यहाँ भी रस्टिंग लगी हुई है। भाई ये अपने सचिन भाई, इनकी गाड़ी है वो भाई सभी को। हाँ बिल्कुल भाई, ये बताओ इससे पहले आपके पास कौन सी गाड़ी थी? मेरे पे इससे पहले वैगनार थी भाई। तो भाई वैगनार और KUV में क्या डिफरेंस है बताओ? माइलेज का डिफरेंस क्यों है पहले वो भी बताओ आप। पेट्रोल डेली मेरा लगता है। अच्छा, पर कंपेयर टू KUV100 मैं जब ट्रेवल करता हूँ KUV100 से, तो 300 में ही मेरा काम अप डाउन का हो जाता है CNG से। चलो ठीक है, ये तो आ गई आपकी एवरेज की बात आ गई कि पेट्रोल कम लगता है। फील की बात है कंपेयर टू स्पेस की बात करें तो स्पेस ज्यादा है KUV100 में कंपेयर टू वैगनार। अच्छा, और एक चीज और, चलाने में कैसा मजा आता है उसको? बहुत अच्छा, अगर कंपनी फिटेड CNG है तो कोई फर्क नहीं पता चलेगा आपको पेट्रोल और CNG में, नहीं पता चलेगा। नहीं, बाकी आप थोड़ा सा कुछ नेगेटिव भी बताना चाहोगे गाड़ी के? नेगेटिव तो सिर्फ ये है कि बॉडी उसकी थोड़ी सी वीक है। बॉडी वीक नहीं, बॉडी तो बहुत हार्ड है, लेकिन लोहा थोड़ा सा अलग टाइप का। लोहा वीक है कि जर लग जाता है जल्दी। हाँ, बाकी बॉडी तो बहुत, अगर आप ओपन स्पेस में खड़ी करोगे तो जल्दी लगेगा। अगर आपका स्पेस ऐसा है पार्किंग का, आपके घर के नीचे खड़ी हो जाएगी, जैसे मेरी गाड़ी पार्किंग स्पेस में नहीं खड़ी होगी, मेरे बाग में खड़ी होती है, तो धूप सर्दी बारिश सब झेलती है। अच्छा, उस चक्कर में जंग लग गया। सचिन भाई आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर, सेम है। चलो ठीक है भाई, बताओ वीडियो कैसी लगी आपको? वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और मिलते हैं आपसे फिर किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए सारे भाई ना राम राम।